बिहार के शहरी क्षेत्रों की आबादी में लगभग 1% का इजाफा हुआ है। शहरों की संख्या 130 से 199 हो गई है। हालांकि राज्य के 88.70% लोग अब भी गांवों में ही रहते हैं और शहर में सिर्फ 11.30% ही लोग रहते हैं। शहर में रहने वाले लोगों की कुल आबादी 1,17,00,000 है। पटना सबसे बड़ी शहरी आबादी वाला शहर बन चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर मुंगेर और तीसरे नंबर पर भागलपुर है। सबसे कम शहरी ग्रोथ वाले शहरों में समस्तीपुर, बांका और मधुबनी शामिल है। राज्य की ताज़ा औपबंधिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी बसती है और शिवहर सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला है। राज्य के समस्तीपुर जिले में सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी निवास करती है। इसी तरह पटना शहरी आबादी के मामले में सबसे आगे है। ग्रामीण आबादी के लिहाज से समस्तीपुर 96.54% के साथ पहले स्थान पर है। शहरी आबादी के मामले में पटना 44.48% के साथ पहले स्थान पर है। शहरी क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पर मुंगेर, तीसरे पर भागलपुर तथा चौथे पर बेगूसराय है। बेगूसराय में शहरी आबादी के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण 4 शहरी क्षेत्रों का गठन के साथ नगरपालिका से नगर निगम में बदल जाना बताया जाता है। शहरी आबादी के ग्रोथ के मामले में समस्तीपुर नीचे से पहले नंबर पर है। समस्तीपुर में सबसे कम शहरी आबादी 3.46% बसती है। दूसरे नंबर पर बांका और मधुबनी तीसरे नंबर पर है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता के मामले में सबसे अव्वल पाटलिपुत्र कॉलोनी, जबकि सबसे नीचे पूर्वी चंपारण का पकड़ी दयाल है। राज्य के ब्लॉकों में सबसे अधिक साक्षरता दर जमालपुर में 83% है, जबकि सबसे कम पूर्णिया के बायसी में 41.81% है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।